होम स्वीट होम, पीक को मैं यही बोल सकता हूँ क्योंकि पीक में मैं मरता ही नहीं, मतलब बहुत कम ही मरता हूँ। चल झूठा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। तो मैं फिर दोबारा से खेलने जा रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड, एंड इस बार काफी बंदे आ रहे हैं। पीक पे वो रहा बंदा, ओहो बेचारा कितना बदनसीब है, हवा में ही नॉक हुआ और हवा में ही मर गया, मतलब उसका पैराशूट भी नहीं खुला था और सीधा मर गया। क्या ही बोले, उस बेचारे का किस्मत बहुत घटिया था। तो यहाँ पे काफ़ी बंदे आए हैं, तो चलो यहाँ पे जितना जल्दी हो सके लूट कर लेता हूँ। तो इसी बात पे ना वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके। पीक पे काफ़ी बंदे आए थे लेकिन किसी भी जगह पे फायरिंग का लोकेशन ही नहीं आ रहा है भाई साहब। इन लोगों को हुआ तो हुआ क्या है। यहाँ पे भी दो तीन स्क्वाड उतरा था ब्रोकन हाउस के पास इसी घर में, लेकिन लोकेशन ही नहीं आ रहा है, मतलब फाइटिंग का। लगता है ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ेगा उन लोगों को। चलो देखते हैं इस तरफ मिल जाए तो, बट मुझे लगता है कि मिल जाएगा भाई साहब। यहाँ पे एक बंदा है, वो रहा, इसको मस्त आराम से ना पास में जाके मारूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, इसका और है एक बंदा। ये पड़ा टोटल रेड नंबर। ओ सिट भाई साहब, उस बंदे ने नॉक करके रखा था इस बंदे को, और मैं जब उसको किल चोरी करने की कोशिश कर रहा था तो अच्छा टाइम पे रिलोड आ गया। और टावर पे, टावर बोले कि किला, उस पे बंदा है। ओके, उनका फाइट चल रहा है तो इनको जल्दी जल्दी लूट कर लेता हूँ, उसके बाद उसको मारने जाऊँगा। शायद उनका ध्यान नहीं है, जल्दी जल्दी लूट कर लेता हूँ। ये भाई मारना मत भाई, अपन बहुत गरीब आदमी है, हमारे पास ना तो AP-40 है ना तो ढंग का गन है भाई, अपन गरीब आदमी है, मत मारना। तो लगता है उनका ध्यान नहीं है। चलो इनको जल्दी जल्दी लूट कर लेता हूँ, फिर इसी लूट के साथ उसको मारने जाऊंगा। मस्त प्लान है। इसके पास तो कुछ ढंग का गन मिल जाए। ओके, यहाँ पे ऑग मिला, चलो इससे काम चल जाएगा लॉन्ग रेंज में। तो उनका ध्यान नहीं है लगता है, तो पेड़ का कवर लेते हुए चला जाता हूँ। ये मर जा, अरे मर जा भाई, अरे सेट बच गया। तो ऊपर वाले बंदे का ध्यान नहीं है लगता है, अगर वो मुझे देख लिया ना तो सीधा हेड लगेगा मुझे, हाइटेड जगह से वो मारेगा तो सीधा मेरे सिर पे ही गोली घुसेगा। तो चलो जितना जल्दी हो सके पहुंचता हूँ पास में और फिर ऊपर जाके उसको भी मारूंगा। पहले तो नीचे देखना जरूरी है, नीचे भी बंदे थे लगता है, शायद नीचे पे बंदा नहीं है वरना आवाज़ तो आ जाता, फुट स्टेप साउंड या और कुछ भी। तो चलो अब ऊपर वाले को ही मारते हैं। ओके ये रहा, हो गया नॉक। तू मेरा केल चोरी करने वाला था है ना, आ गया तेरे को स्वाद। तो जल्दी से एक मेडिकेट लगा लेता हूँ बिकॉज सरिंग आ रहा है। इसका बाकी टीममेट्स कहाँ है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अकेला यहाँ पे किल उठाने आया था, मतलब प्रो बनने आया था अकेले। क्या भाई, क्या भाई बता, प्रो बनेगा ऐसे में? प्रो बनेगा, अपने स्क्वाड के साथ रहता तो प्रो बनता। क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो इसको जल्दी जल्दी लूट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे श्रिंक आ चुका है तो मुझे सर्कल में पहुँचना पड़ेगा। ओके, मेडिकेट एक्स्ट्रा उठा लेता हूँ। तो चलो अब सर्कल में पहुँचते हैं। भाई साहब कितना दूर पे है सर्कल। 1 hour later। जीप लाइन से लटकने का अलग ही मजा है, क्या ही बोले, बस बंदा ना मारे। ओ भाई साहब पीछे दो बंदे हैं, मुझे यहीं पे जंप मारना पड़ेगा वरना तो ये मेरा ले लेंगे वहाँ पे, मतलब जान। एक नॉक और सेट बज गया। भाई साहब क्या ही बोले, उसको क्या ही ऐड लगा, अगर मैं जीप लाइन नहीं छोड़ता ना तो ये लोग मेरा ले लेते जान, और क्या बोले। थोड़ा सा बच गया बट कोई बात नहीं। ओ भाई साहब मौके का फायदा। अबे निकल, हिम्मत है तो थोड़ा निकल, उसके बाद मैं तेरे को बताता हूँ। ओके, ऊपर साइड भी बंदे हैं, मतलब फैक्ट्री की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करता हूँ। ओके नॉक हो गया, एक और नॉक। भाई साहब वहाँ पे पेड़ के पास दो बंदे,
नहीं, उसको रिवाइव कर दिया लगता है। जितना जल्दी हो सके वहाँ पास पहुँच के इन लोगों को मारता हूँ, क्योंकि एक बंदा तो डैमेज है और दूसरा को भी थोड़ा बहुत डैमेज किया हूँ। और बगल से मुझे मारने की कोशिश, तो नॉक। ये बंदा बहुत ज़्यादा डैमेज है, इसके ऊपर रस मारा जाए। ओ भाई साहब, बच गया मैं, थोड़ा सा बच गया। अगर उसका एक और गोली लग जाता तो मैं तो खत्म ही था, मतलब इतना कम एचपी। तो श्रृंग भी आ रहा है, जितना जल्दी हो सके इनको लूट के निकलता हूँ। क्लॉक टावर की तरफ भी दो तीन बंदे हैं, उनको भी अभी बताऊंगा। मुझे पीछे से मारने की कोशिश किया है, क्या ही बोले, कितना गुस्सा आता है। अब क्या ही बोले यार, पीछे से मारता है मेरे को, मेरे को जानता नहीं है, पीछे से मारता है मेरे को। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? पहले तो सबसे पहले तो सर्कल में पहुंचूं, उसके बाद इन लोगों को देखूंगा। ये मारना मत भाई, ये थोड़ा सा रुक जा रहे, मत मारना रे। कब वो लोग मारेंगे ये, मुझे लगा ही था कि ये लोग मारेंगे। रुक रुक रुक, अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ। बोला था ना छोड़ूंगा ही नहीं तुम लोगों को। ओ भाई साहब, अरे छोड़ दो यार, बच्चे की जान ले वो क्या। आगे स्वाद कायलर यूज करता है, अब बच्चे तुम लोगों का जान लेगा, अब ये बच्चे तुम लोगों का जान लेगा। अब मारो मारो, अबे मारो मुझे गोली, क्यों नहीं मार रहे हैं। तो सामने एक बंदा है जिसको मैं देख लिया था, अगर नहीं देखता तो ना सीधा हेड पड़ता। ये भी बच गया। और इस तरफ के बंदे कहाँ हैं, कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उसका टीममेट पक्का क्लॉक टावर पे होगा, तो उसको छोड़ते हैं और इसको देखते हैं। इसको मारना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको मैं छोड़ दिया तो ये शायद अपने स्क्वाड को उठा लेगा। मुझे लगता है कि ये अपने स्क्वाड का अकेले बचा है, तो इसको मारना ईजी है क्योंकि अकेले बचा है। तो ओके, ठंडा वाला बॉम्ब फेंक देता हूँ, अब तेरे को लगेगा ठंडा। अरे बच गया, ये हो गया ना, ये बंदा पूरा फुल डैमेज था। अरे भाई साहब, ये तो वही बंदा है क्लॉक टावर का जो बंदा था, और ये मारा गया। ये दोनों का किल आ गया, मतलब इसी का टीममेट था। चलो काफ़ी सही है। तो यहाँ पे अपना हो चुका है 10 किल, और अभी भी 7 बंदे बचे हैं। तो ये लोग शायद उस डायरेक्शन पे हो गए, क्या बोलते हैं, रिम नाम विलेज के साइड में। तो जल्दी जल्दी इनको लूट कर लेता हूँ। ओके, अभी 7 ग्लूवाल है, तो इतना है, तो 7 बंदे हैं, 7 बंदे के लिए 7 ग्लूवाल काफ़ी है। गाड़ी का साउंड आ रहा है भाई साहब, इससे बच के रहना पड़ेगा। ओ भाई साहब, कितना स्पीड से जा रहा है, अरे मर जा मर जा। सिट, बच गया। ओ सिट, ग्लोवाल लगा दिया। ये बंदा हैवी ड्राइवर बन रहा था, रुक मैं तेरे को बताता हूँ। ओ भाई साहब, ये बंदा फिर गाड़ी लेके भाग गया, क्या ही बोले, आगे और पीछे से गोली पड़ा और भाग गया। तो ये आ गया किल, उस बंदे को किसी दूसरे ने नॉक किया था और यहाँ पे मैंने उसका कल चोरी कर लिया। तो अब बस 5 बंदे बचे हैं, तो वो लोग उसी डायरेक्शन पे है, वो रहा ग्लूवाल लगा है, दिखाई तो दे रहा है ग्लूवाल। और एक बंदा वहाँ पे आए, एक बंदा एलिमिनेट हो गया, पूजा, ये पूजा एलिमिनेट हो गई कहाँ पे पता नहीं। एक बंदा और नॉक, ओ भाई साहब ये कहां से मार रहा है, ये रहा, ये टुट्टी गन से मुझे मारने आया है ये। अबे किधर भाग रहा है, टुट्टी गन से मुझे मारने आया था। एमएम नाम का बंदा टुट्टी गन से मुझे मारने आया था, क्या ही बोले यार। अगर उससे मैं मर जाता तो फिर तो गजब गजब वाला बेइज्जती हो जाता। तो अब बस 3 बंदे बचे हैं और वो सामने पे ही है। ओके, अब बस मारने का टाइम आ गया है, क्योंकि मैं सर्कल से काफ़ी दूर पे हूँ। एक और नॉक हो चुका है, सामने 2 बंदे बस बचे हैं। तो वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और मुझे भी आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं सर्कल पे नहीं हूँ, तो सर्कल में जाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। ओ माय गॉड, मेरा ग्लू वॉल फोड़ रहे हैं वो लोग।
अब मुझे सिर्फ और सिर्फ पेड़ का कवर ही बचा सकता है, मतलब पेड़ के कवर से मुझे गेम बोया निकालना पड़ेगा। ओ भाई क्या ही बोले, एक बंदा तो और नॉक हो गया, अब बस एक बंदा बच सकता है और मेरे पास ग्लू वॉल भी खत्म हो गया है। चलो बॉम्ब फेंक के देखते हैं। ओके वो भी फेंक रहा है, ये मारा गया मेरे बॉम्ब से, मारा गया उसका भी बॉम्ब आया, बट मेरा बॉम्ब उसके पहले ही फट गया। तो यहाँ पे 16 किल के साथ ये गेम बोया हो गया, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ओपी था। तो अगर आप लोगों को गेम प्ले अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट में बताना गाइस कि आप लोगों को गेम प्ले कैसा लगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।